हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला, या फिर आज कुछ मज़ेदार ऐसा नहीं होने वाला। बस ये वीडियो के ज़रिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि आज मैं सादे से मिलने आई हूँ। और मुझे पता चला है कि आप सबको तो पता ही होगा कि सादे में एक छोटा सा बच्चा है और बहुत ही टैलेंटेड है, और उसकी वीडियोज़ भी बहुत वायरल हुई हैं। पर रिसेंटली उसके पापा की कंडीशन ठीक नहीं है और वो उन्हें कैंसर हो चुका है। सो मैं अभी सादिन के घर आई हूँ और उससे मिलने जा रही हूँ। सो हम देखेंगे कि कैसे हैं सब घर पे। मेरी रिक्वेस्ट भी आप सभी से कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें और जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें। सो चलो सादिन, सो मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आपको तो पता ही है कि हमारा ये छोटू सा बेबी कितना कितना टैलेंटेड है, और इसकी वजह से आपने गाना तो देखा ही होगा, रुला के गया इश्क तेरा, इसी की वजह से वायरल हुआ था। इसी की वजह से यही है वो बच्चा जिसकी वजह से रुला के गया इश्क वायरल हुआ था गाना, जो बहुत बड़ा हिट हुआ आगे। सादिन, तो हम आपके पापा से मिलेंगे, आपके पापा की हमें रूम में ले जाए। सादिन की सिस्टर भी हैं, और आपका नाम क्या है? मारिया। आप कितने इयर्स के हैं? 10। और सादिन आप? 7। क्या हुआ था, दोनों ही बहुत ज़्यादा ही होंगे। कौन सी क्लास में हुआ दोनों? मैं 7th में हूँ और सादिन 2nd। सो हम अभी सादिन के फादर से पूछेंगे कुछ बातें। सो पहले तो बताइए कि आप कब पता चला कि मतलब आपको कैंसर हो गया? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले का पता चला। और आपको बोलने में परेशानी हो रही होगी ना, तो चलिए हम सादिन की मम्मी से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला और क्या क्या हुआ। 3 महीने पहले पता चला, ऐसा बीमारी है। फिर दिखाया डॉक्टर लोग को, और अभी कितना मतलब बाकी है, कितना रिकवर होने में, क्या थेरेपी? काफ़ी बाकी है अभी, कीमोथेरेपी बाकी है, रेडियोथेरेपी बाकी है, अभी काफ़ी दिन रहेंगे। डॉक्टर ने 5-6 महीने मतलब बोला है रिकवर होने में। एक दो महीना तो निकल गए होंगे, पैसे अरेंज करने में टाइम हो गया था। तो गाइज, अभी आपको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और अभी फिर से लॉकडाउन होने वाला है, तो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है आगे, बहुत लोगों को हो भी रही है। सो जितना हो सके आपकी तरफ से जितना भी बन पड़े, चाहे आप वीडियो को शेयर करके ही हेल्प करें या फाइनेंशियली हेल्प करें, जितना हो सके उतना हेल्प करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर दे दूँगी, सादिन के फादर का। सो आप फाइनेंशियली भी हेल्प करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके हेल्प करें। अभी कितना मतलब आपका पैसा लगा है ऑपरेशन में? 4-5 लाख। अभी इतना डबल लगेगा क्या? इतना 4-5 लाख और लगेगा। कितना बताएंगे तो मालूम नहीं, 50,000। सो गाइज, आपने देखा कि कितना सादिन के फादर का अभी पैसा लग चुका है ऑपरेशन में। तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जितना भी वो फाइनेंशली कर सकते हैं, प्लीज़ अकाउंट नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सादिन के फादर का। प्लीज़ फाइनेंशली इन्हें हेल्प कीजिए और दुआ प्रे भी करिए साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ शेयर भी करिए वीडियो को, क्योंकि आपको पता ही है अभी हम सभी के लिए कितना मुश्किल हो चुका है इस लॉकडाउन में, और अभी ऐसी कंडीशन हो जाना लॉकडाउन में, सो आप सभी समझ सकते हैं। सो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
प्लीज प्लीज जितना जिससे बन पड़े उतनी मदद करना। और सादिन आप क्या कहना चाहते हो? तो प्लीज आप लोग दुआ करो कि मेरे पापा बैंक में जैसे वापस हो जाए और वो बहुत अच्छे हो जाए। जरूर हो जाएंगे सादिन, और हम सभी प्रेयर करेंगे और दुआ करेंगे भगवान से कि जल्दी जल्दी आपके फादर जैसे थे, आपके साथ वीडियो बनाते थे, हंसते खेलते, वैसे ही हो जाएंगे। और प्लीज़ गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, दुआ करें, प्रेयर करें और जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।